हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में स्कूल में क्लास सिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर क्लास सिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए डिटेल में आपको बात करेंगे और उस कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है जामिया में यानी क्लास सिक्स को लेकर, चाहे वो सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, एज लिमिट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, और एट द एंड में फिर हम आपको बात करेंगे तैयारी कैसे करना है अगर आप क्लास सिक्स में जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके बाद थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो फॉर्म्स को लेकर हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर हो। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल आपको देना चाहेंगे जो कि इसके प्रोस्पेक्टस से ही इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अभी पहले हम फॉर्म्स के बारे में ही बात कर लेते हैं कि क्लासिक्स का जो है जामिया स्कूल का क्लासिक्स का फॉर्म कब तक आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो फॉर्म्स आएंगे वो आने वाले साल 2024 में फरवरी से मार्च के बीच में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। और रहा सवाल एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो एंट्रेंस जो आपका होगा वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली मई में हो जाएगा या लास्ट अप्रैल से मई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, बट इस बार यानी कि 23 में ऐसा ही हुआ, 2024 में भी ऑलमोस्ट यही होने वाला होगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया फॉर्म्स के बारे में और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। बाकी और डिटेल थोड़ा भी देते हैं, स्कूल का टाइमिंग मैं बता दूँ, हालांकि बहुत कम स्टूडेंट जान पाते हैं। मतलब यूजुअली ये है कि आपके क्लास या स्कूल का जो टाइमिंग होगा वो आपका टाइमिंग अलग अलग है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग इनका अलग अलग है, विंटर में अलग है और आपका नॉर्मल डे में अलग है। चलिए ये उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको पहले बता दूं। हम सबसे पहले इससे पहले कि क्लास सिक्स के बारे में बताएं आपको, उससे पहले जामिया में रिजर्वेशन, क्योंकि जामिया मालूम है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और ऐसे में यहाँ पर रिजर्वेशन, इवन देश के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, यहाँ पर भी है। अगर इसमें बात करें तो 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए और 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए है, यानी टोटल 50% जो सीट्स देखा है तो रिजर्व है। रिमेनिंग जो 50% जो सीट्स है वो जनरल स्टूडेंट के लिए, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी ये है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट है और जो कश्मीरी स्टूडेंट है उनका भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे होंगे, उस टाइम आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना होगा तभी। इसके अलावा स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे, यानी स्पोर्ट्स के थ्रू भी जिस स्टूडेंट के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है स्पोर्ट्स राउंड्स के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। आप ये देख लीजिए कि क्लास सिक्स में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो टोटल 40 सीट्स है। जो क्लास सिक्स में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है जामिया में, ध्यान रखे सिर्फ 40 सीट्स है और फॉर्म कुछ भी नहीं, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 थाउजेंड तो आते ही आते हैं, बच्चे उतना एग्ज़ाम देते ही हैं। तो फॉर्म्स के बारे में यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के बारे में बता दिया, और उसके बाद अब हम बताते हैं आपको सिक्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स का मेंशन करा है ना, तो यहाँ पे इस लाइन में बताया है कि फॉर एडमिशन टू द क्लास सिक्स इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स या ग्रेड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब इन्होंने मिनिमम नहीं रखा है, सिंपल सी बात है, आपके पास 5th का मार्कशीट होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा कई लोगों का एक सवाल होगा कि जामे के जब हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें क्या क्या मांगा जाएगा, कुछ नहीं, बस आपका स्कूल का नाम आपसे पूछा जाएगा और आप अगर पास हो गए तो बताना होगा, अगर आप पास नहीं हो पाए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आए तो अवेटेड लिख करके फॉर्म फिल कर देना है। मतलब कोई मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत नहीं होता है स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करने टाइम। इसके अलावा एक बात और, यहाँ पे क्लास सिक्स के लिए एज लिमिट का कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, मतलब एज लिमिट का कोई सीन यहाँ पे नहीं है क्लास सिक्स में एडमिशन्स के लिए, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ और इम्पॉर्टेंस डेटा देना चाहेंगे, जैसे कि पहली चीज़ आपका, मतलब सिंपल सी बात है, आपने फॉर्म फिल कर लिया, अब उसके बाद आप तैयारी करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियो नहीं, लास्ट में बताएंगे आपको। और उसके बाद फिर आप तैयारी कर लिया आपने, फिर आपका सबसे पहला ये होगा कि फॉर्म फिल किया है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के एटलीस्ट 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आपके ही ईमेल पे आएगा या फिर जो लॉगिन है जामे, मतलब किसी को पर्सनली ईमेल नहीं, एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है, जामे के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना होता है, वो आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड होता है, जो फॉर्म फिल करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि एंट्रेंस के 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, और उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा
तो उसमें मेंशन किया जाता है कि आपका एग्ज़ाम्स कहाँ होगा, कब होगा, किस डेट में होगा, सारी चीज़ मेंशन होगा। तो यूजुअली मैं पहले ही बता दूं आपको कि आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा, यानी क्लास सिक्स के लिए आपका एंट्रेंस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपका जामिया कैंपस में होगा। याद रखें, इसमें जो स्टूडेंट फॉर्म पहले फिल करते हैं उनका मोस्ट प्रोबेबली सेंटर जामिया कैंपस मिलता है, और अगर फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाता है तो फिर ऐसे जामिया के बाहर में, दिल्ली में ही रहेगा लेकिन जामिया के बाहर रहेगा। ये हो गया आपका टेस्ट के बारे में। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो MCQ रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, और आपका निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और आपको सिंपली कलर करना होगा, OMR शीट फिल करना होगा। OMR शीट का सैंपल हम दिखाएंगे कैसा होता है। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए, EVS से टोटल 50 क्वेश्चन है, और मैथ्स से देखा जाए तो 25, और इंग्लिश से लैंग्वेज टेस्ट से 25। टोटल देखा जाए तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 MCQ रहेगा। ये हो गया क्लास सिक्स का डिटेल में। सिलेबस के लिए भी हम बात करते हैं, हालांकि इन्होंने सिलेबस के बारे में यही कहा है कि आप फिफ्थ का जो NCERT है, पहला आप NCERT मतलब आपके पास होना चाहिए, और दूसरा कोई भी किसी भी बोर्ड का फिफ्थ का जो बुक होता है ना, जैसे EVS का बुक है, मैथ्स का और इंग्लिश का, इसको पढ़ लीजिए। तीसरा ये है कि आपके पास गाइड अगर है तो अच्छी बात है, कोई भी गाइड परचेज कर सकते हैं। गाइड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखता हूँ, मैं दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से ऐप परचेज कर लें या आप एसेस कर लें, क्योंकि यूजुअली क्लासिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट गाइड लेते ही लेते हैं। तो गाइड देख लीजिएगा। NCERT मैंने बोला, कोई भी फिफ्थ स्टैंडर्ड का अलग अलग पब्लिकेशन का बुक आता है वो, और इसके बाद आपको गाइड। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा, मतलब यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करना उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट कितने साल का होना चाहिए, 5 से 7 सालों का, ये मिनिमम 5 ईयर का आपके पास पेपर होना चाहिए। मतलब तैयारी कैसे करना, उसके लिए पहला तरीका ये होगा कि पहले 5 साल का पेपर को सोल्व कर लीजिए खुद से। उसके बाद आपको सिलेबस का तो मालूम है कि फिफ्थ का NCERT बुक है, और साथ में कोई बुक, इसके अलावा गाइड रखिए। इन सब में ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हो जाए, PYQ हो जाए और ये सारी चीज़ होगा, तो PYQ पे ध्यान देने की कोशिश करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका लेवल समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आपको वेबसाइट से, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप वेबसाइट से MCQ प्रैक्टिस करिएगा, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो मैथ्स का हो या इन्वायरमेंटल का हो। आप जितना ज़्यादा वेबसाइट यूज़ करके MCQ करिएगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। मतलब इन सब में देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, PYQ के क्वेश्चन पेपर पे सोल्व करने पे। देखिए, उन्होंने सिलेबस के बारे में बता दिया है कि जो सिलेबस होगा वो क्लास फिफ्थ के CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, सिलेबस ज़रूर कहते हैं, लेकिन फुली फिफ्थ का सही पूछा जाए ऐसा होना मुश्किल है। ऐसे में आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, थोड़ा डेप्थ में होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन उनका चांस रहेगा। सिक्स के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा मैं देख लीजिए। एक क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसका जो इसमें करेक्ट होंगे उसको आप कलर करना पड़ेगा। कलर करने के लिए ये OMR शीट मिलेगा। OMR शीट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा, इस टाइप का OMR शीट रहेगा आपका। मतलब एक पेज मिलेगा, उसमें आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा, और इस टाइप का OMR शीट रहेगा, आपको कलर करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन करेक्ट है उसको आपको कलर कर दीजिए, ये है आपका। इसके अलावा फिर सिंपल सी बात है, मतलब अभी अगर बाय द वे आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट के बाद फिर आपके रिजल्ट्स आने का इंतजार करना पड़ेगा। रिजल्ट विद इन 1 मंथ से पहले नहीं आता है, तो 1 मंथ के अंदर में आपका रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट आते ही उसमें मेंशन रहेगा कौन कौन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, उसके बाद उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से जामिया में क्लास सिक्स में एडमिशन मिलेगा। तैयारी कैसे करना है वो मैंने बता दिया। हाँ, अब इसके बाद एट द एंड इन्फॉर्म कर दें, जो भी स्टूडेंट क्लास सिक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जामिया के लिए, या क्लास नाइन के लिए करना चाहते हैं, आपके कोई भी हैं, तो स्टूडेंट फॉर के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड भी हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी तैयारी कैसे करना है, कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने पूरा दे दिया। एज लिमिट का कोई सीट नहीं है क्लास सिक्स में जामिया में, बस आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दिया कि फिफ्थ के मार्कशीट होना चाहिए। फॉर्म फिल करने टाइम आपके पास सिर्फ आपका स्कूल का नाम पूछा जाएगा, और अगर आपके पास मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। बाकी एक वीडियो जो है मैं इंटरव्यू लूँगा क्लास सिक्स के स्टूडेंट का, और वो वॉइस फॉर्म में मे भी हो, और उसको मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे स्कूल के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, चाहे वो 6 का अपडेट हो, 9 का अपडेट हो या 11 का अपडेट हो, ये सारा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से डायरेक्ट कम से कम 5 ईयर या 6 ईयर का पेपर एसेस कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, यानी वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। या बाय द वे कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, आप मैसेज कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डाउट्स होता है कमेंट कीजिएगा, और जामिया से रिलेटेड या AMU से रिलेटेड कोई भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है स्कूल के लिए,
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।